ये है ल्यूसेंट की जीके की सीरीज़, 10 पॉइंट की सीरीज़ है। सुरकोटोड़ा जो गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में, ये एक प्लेस है जो इंडस वैली साइट, इंडस साइट है, जहाँ पर हॉर्स के रिमेन पाए गए हैं, कि ये वहाँ पर घोड़े थे। तो ये हॉर्स के रिमेन कहाँ पर पाए गए हैं? कच्छ के सुरकोटोड़ा में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं गोपाल, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं गोपाल, पाल डायनेस्टी के, पाल एम्पायर के फाउंडर हैं गोपाल। मिहिर भोज ये ग्रेटेस्ट रूलर हैं प्रतिहार डायनेस्टी के, प्रतिहार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर हैं मिहिर भोज। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो अब की कांग्रेस है यही, क्योंकि ये एक इकलौती पार्टी ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स से आज़ादी के लिए लड़ाई की। मतलब अब तो बहुत सारी पार्टी बन गई हैं इंडिया में, बट इन कांग्रेस ही पहली एक पार्टी थी जिसके सभी ये मेंबर थे जो आज अलग अलग पार्टी में हैं। तो पहला सेशन, पहली मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ हुई? बॉम्बे में हुई 1885 में। का किस जगह हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये पूछा था पहला सेशन कहाँ हुआ INC का? 1885 में हुआ, बॉम्बे में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। लाइट को सन से अर्थ पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, 8.5 मिनट्स। तो सन से लाइट पृथ्वी तक पहुंचती है लगभग 8 मिनट में। बॉम्बे को गुजरात और महाराष्ट्र दो हिस्सों में तोड़ा गया 1960 में। मतलब गुजरात और महाराष्ट्र मिला के सारा बॉम्बे था। पहले बॉम्बे जिसे कहते थे वो गुजरात और महाराष्ट्र पूरा एरिया था। तो 1960 में इसके दो स्टेट बन गए, गुजरात और महाराष्ट्र। जैसे UP से उत्तराखंड अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। तो इसी तरह से 1960 में बॉम्बे को दो पार्ट में तोड़ा गया, एक पार्ट हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग। फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड ये हैं वर्गेसी कुरियन, ये दूध वाले से रिलेटेड हैं, दूध से। ऑपरेशन फ्लड मतलब डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के जो फादर माना जाता है उन्हें माना जाता है वर्गेसी कुरियन को। सैक्रीन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये शुगर से 550 गुना टाइम्स गुना ज़्यादा मीठा है, 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा शुगर से। जितना मतलब एक किलो शुगर में मीठा होगा उसका 550 गुना मीठा एक किलो सैक्रीन में होगा। सोच लो मतलब छोटा, कितना छोटा पोर्शन गिरेंगे कि वो जो शुगर के बराबर मीठा अपन ला देगा। तो सैक्रीन है 550 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर। हाइड्रोपोनिक्स एक ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं ग्रोइंग प्लांट की, जिसमें प्लांट को ग्रो करते हैं वाटर में, वाटर रिच कंटेन न्यूट्रिएंट, मतलब सोयल में इन्हें ग्रो नहीं कर रहे हैं, प्लांट को ग्रो कर रहे हैं वाटर में, और वाटर में न्यूट्रिएंट मिला रहे हैं सारे। तो सोयल लेस है ये, इसमें सोयल का यूज़ नहीं है प्लांट्स को ग्रो करने में। तो हाइड्रोपोनिक्स में स्टडी ऑफ द ग्रोइंग प्लांट विदाउट सोयल इन वाटर हाई कंटेन न्यूट्रिएंट, वाटर रिच कंटेंट न्यूट्रिएंट, मतलब उस वाटर में न्यूट्रिएंट मिलाए जाते हैं, मिट्टी नहीं होती, प्लांट ग्रो किए जाते हैं, इस ब्रांच को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स।